कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास, ओ शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानकवासी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड भवन में विराजमान मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी भावना की भावधारा में हम सब लगातार डुबकियां लगाते हुए आत्मा का अध्ययन करने का सफल या असफल प्रयास कर रहे हैं। जीवन की गहराई को मापने का या जांचने का हम
पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम कितने सफल हो पाए या कितने असफल हो पाए ये हमारी और तुम्हारी आत्मा जानती है। पर लेकिन जो दिल से सुनता है वो किसी भी बात के दिल तक यानी हार्द तक पहुंच ही जाता है। बस इसकी तो एक ही कंडीशन है, आप कुछ भी सुने जब दिल से सुनते हैं तो दिल तक पहुंचता ही पहुंचता है। दिमाग अगर कहीं और चल रहा है, काया और शरीर यहां बैठी है या बैठा है, उस वक्त तो हम केवल समय पास करते हैं, हम आत्मा के करीब नहीं होते हैं। सत्संग में आने के बाद वही लाभ उठा पाता है जिसको इसमें डूबना आता है। डूबने का प्रयास कीजिए, बड़ी अनमोल भावना मेरी भावना। संप्रदायातीत भावना है ये। इस भावना में किसी संप्रदाय विशेष की कोई चर्चा नहीं की, ये मेरी भावना वो भावना है, कोई भी पढ़े वो उसकी भावना है। ये एक मानवीय भावना है और इस भावना को केवल मनुष्य ही पढ़ सकता है। इस भावना की गहराई भी मनुष्य ही जान सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि और प्रज्ञा का विकास मनुष्य भव में मिलता है। संवेदनाओं को पढ़ने का या जांचने का सौभाग्य केवल मनुष्यों को मिलता है। किसी भी बात की गहराई तक पहुंचने का सामर्थ्य केवल मनुष्य को मिला है और इस सामर्थ्य का हम कितना उपयोग कर पाते हैं ये आपका और हमारा पुरुषार्थ जानता होगा। पर लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिसके लिए प्यास होती है, पिपासा होती है, उस बात को हम बहुत गौर से सुनते हैं, बहुत गौर से सुनते हैं। विद्यार्थी का एग्जाम होना हो और उस एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई बात कहनी हो तो विद्यार्थी बड़े गौर से सुनता है कि शायद ये बात अवश्य आने वाली है। तो जिसके प्रति जितनी जिज्ञासा और पिपासा होती है उसको जानने की उतनी ही तत्परता आ जाती है, उतनी ही प्रतिबद्धता आ जाती है और वो प्रतिबद्धता ही व्यक्ति को आनंद में ला जाती है, आनंद के अंदर लेकर के जाती है। लीजिए पहले उच्चारण कर लेते हैं मेरी भावना के आठवें पद का, क्योंकि कुल मेरी भावना में 11 पद हैं और हम यात्रा करते करते आठवें पद तक आ गए हैं। केवल 3 पद बाकी हैं, 9, 10, 11। पर लेकिन 9वें में प्रवेश करें उससे पहले अभी 8वें में एक बार थोड़ी सी छोटी सी डुबकी एक और लगा लेते हैं। हो कर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में
सहनशीलता दिखलावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। उसके बाद इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। ये सब स्वाभाविक होते। कल आपने सुना कि जो दुख में इतराता है, जो सुख में इतराता है, वो दुख में घबराता है। ये एक मेथड है, ये एक स्वाभाविक गुण बतलाया है। जिसमें जितना अभिमान होगा उसमें उतनी ही घबराहट होती है। कभी कभी घबराहट को अभिमान से भरने की कोशिश करता है। जो सुख में इतराने लगता है, दुख में जरूर घबराएगा, एक निश्चित बात बतला दी। इसके ऊपर कल आपने सुना। अगली पंक्तियों में कहा है, पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी सेना भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, ये मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। दूसरी बात दूसरी पंक्ति में कही है कि भयभीत व्यक्ति, डरने वाला व्यक्ति कभी भी अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है वो सांसारिक जीवन में भी प्रगति और उन्नति नहीं कर सकता। कौन? जो डरपोक होता है, जो भयभीत रहता है। और भयभीत वही रहता है, आपने देखा होगा, जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसमें आत्म बल की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या सेल्फ पावर की कमी है, वो व्यक्ति भयभीत जरूर रहता है। और भय में व्यक्ति सुकुड़ जाता है, खिलता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है। डरे हुए व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ा हुआ रहता है, चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। होएगा ये, क्योंकि भय में व्यक्ति खिल नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता, आंखों में चेहरे में चमक नहीं आ सकती। क्योंकि भय में चमक कैसी? भय तो वो चीज है, डर तो वो चीज है जो अच्छे अच्छों की चमक खत्म कर देता है। तो आपको चाहे सांसारिक जगत हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे आपको दुनिया के कर्म करने हो, चाहे आपको धर्म का काम करना हो, उसके लिए पहली कंडीशन है आपका निर्भय होना, आपका आत्मविश्वासी होना। मैं ये कर सकता हूं, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और एक बात और कही है कि जिसको अपने पर भरोसा नहीं होता वो कभी किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि डरपोक व्यक्ति भगवान का ज्यादा भजन करता है। कोई भगवान का भजन करता है लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं करता। भगवान पे भरोसा वही कर सकता है जिसको अपने आप पर भरोसा है। जिसको अपनी आत्मा पर भरोसा है वही परमात्मा पर भरोसा कर सकता है। और फिर कुछ चीजें बतलाई हैं, पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी सेना भय खावे। क्यों बोला ये? वो इसलिए बोला है कि आदमी को ये स्वाभाविक चीजें हैं, चाहे वो पर्वत है, चाहे वो नदी है, चाहे भयानक अटवी है, वन है, प्रांत है, बियावान जंगल है,
गहरा जंगल है या गहरी गुफाएं हैं या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आदमी इन चीजों में स्वाभाविक डरता है, अंदर का डर बाहर निकल करके आता है। और इसलिए बोला है, और जैन साधना तो पहले जंगल की साधना थी, वन की साधना थी, वो इसलिए थी कि भयभीत व्यक्ति कभी जंगल में जा नहीं सकता। और कई लोग तो मुझे ऐसे नजर आए हैं कि अपने ही घर में रहते हैं, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए और उसको कह दे जरा भाई अंधेरे में वो चीज जाइए या वहां चला जाइए। मैंने तो कई बार ऐसों को देखा जिनको बिचारों को छोटी नीत बड़ी नीत, समझ रहे हो ना, जिनको प्रेशर लगा हुआ है, मिस कॉल आ रखी है, बार बार आती रहती है मिस कॉल, उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत नहीं होती, वो वहां चले जाए अंधेरे में, फिर वो किसी का हाथ पकड़ेंगे, लाइट जलाएंगे, कुछ ना कुछ साधन अपनाएंगे वहां तक जाने के लिए। जिनको अपने घर की चार दीवारी में डर लगता हो उनको जंगल में डर क्यों नहीं लगेगा। और ये इसलिए बतला रहा हूं कि जिंदगी के अंदर जो इन बातों से नहीं डरता है वही व्यक्ति धीरे 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 इतना कर्म बलि हो जाता है, इतना आत्म बलि हो जाता है कि वो कर्मों से भी नहीं डरता है। क्योंकि भगवान महावीर का जो धर्म है वो महावीरों का धर्म है, कायरों का। क्योंकि जो डरता है उसे वीर नहीं कहते, उसको हम क्या बोलते हैं, कायर, डरपोक। और डरपोक और कायर व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, प्रतिष्ठा बहादुरों को ही मिला करती है, वीरों को ही मिला करती है। और धर्म भी वीर ही कर सकता है। डरने वाला व्यक्ति या तो किसी को डरा सकता है या डर रह या डरता हुआ रह सकता है। तो पहले हमारे जीवन में एक विशेषता जरूर आनी चाहिए कि किसी तरह डर निकले। और आपने देखा होगा जिसके अंदर प्रेम भरा हुआ है, मैत्री भाव का जहां विकास होता है वहां डर नहीं होता। हमारे आठ कर्मों में एक ऐसा कर्म है जिसकी वजह से हमारे अंदर डर पैदा होता है, उस कर्म का नाम क्या है? एक ही कर्म है जो हमें बहुत डरा करके रखता है, इसलिए उसको सबसे बड़ा कर्म भी कहा है। उसका नाम है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का प्रभाव है। और आपने देखा हुआ डरा हुआ व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी गलत निर्णय ले सकता है डरपोक व्यक्ति। वो छुपेगा या कुछ भी करेगा, डरा हुआ व्यक्ति कोई अच्छे निर्णय नहीं लेता है। तो पहला सबक सिखाया है ये, अगर आप साधना जगत में जाना चाहते हो, साधना करना चाहते हो या आत्मा को पाना चाहते हो, आत्म ज्ञान को उपलब्ध करना चाहते हो, तो भैया आत्म विश्वास तो बढ़ाना होगा। जिसमें जितना आत्म विश्वास है वो उतना ही आत्मा के करीब रहता है। तो आत्मविश्वास आत्म बलि के अंदर ही आता है। तो पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल। क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति कांपने वाला रहता है, वो अडोल नहीं, वो डगमग रहता है। रहे अडोल एकंप निरंतर, ये मन दृढ़तर बन जावे। क्योंकि डरे हुए व्यक्ति का मन बहुत कमजोर होता है, मन कमजोर होता है इसलिए वो डरता है। और जिसका मन मजबूत रहता है वो कभी डरता नहीं है। फिर तो वो ये कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, आखिर कब तक मैं रो रो करके जीऊंगा, कब तक मैं गिड़गिड़ा करके जीऊंगा, मरना तो एक ना एक दिन है ना। क्योंकि जिंदगी के अंदर कर्मों को भोगने के दो ही तरीके हैं भैया, या तो रो करके भोगो या हंस करके भोगो। भोगने तो पड़ेंगे, चाहे रो चाहे हंसो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म तो भोगने ही पड़ने हैं। पर लेकिन जो महाबली होता है, वीर होता है, जब ये सोचता है कि रोने से भी पिंडा छूटने वाला नहीं है तो फिर क्यों ना हंस करके भोगूं। जब मैंने मुकाबला ही करना है तो डरूं क्यों? क्योंकि जिंदगी जानी तो वैसे भी है,
वैसे भी है, लेकिन अगर बहादुरी के साथ मेरे प्राण जाएंगे तो कम से कम मुझे अपने ऊपर खुद पर तो अफसोस नहीं रहेगा। तो जब ऐसा जो वीर होता है वही छलांग लगा सकता है इस युद्ध के मैदान में, डरपोक व्यक्ति। क्योंकि मैंने जब युद्ध की हिस्ट्री जब पढ़ी तो उसमें एक ही चीज आया कि गोलियां दोनों को लगती हैं। वीर की पहचान होती है जिसकी गोली सीने पर लगी हो, समझो वो वीर है, और जिसकी गोली पीठ पर लगी हो समझो वो कायर है। पीठ पर गोली कायरों को लगती है, वीरों को तो गोली सीने पर लगती है। और जिसकी गोली सीने पर लगती है उनको हम लोग शहीद कहते हैं, और जिनकी गोली पीठ पर लगती है उसको हम कायर, बुजदिल और भगोड़ा कहते हैं। तो पूजा वीरों की होती है, कायरों की नहीं होती। क्योंकि जब वीर ये सोच लेता मरना तो है, मैं कूद तो पड़ा हूं युद्ध के मैदान में, अब मैं पीठ पर गोली क्यों खाऊं, कम से कम आखिरी वक्त इस मिट्टी को यानी शरीर को इज्जत तो दे जाऊं। क्योंकि पीठ पर गोली अगर मैंने खाई हुई होगी तो मुझे इज्जत से नहीं देखा जाएगा। तो जब खानी है तो सीने पर गोली खानी है। ये महावीर का धर्म है, ये वीरों का धर्म है। और आपको बतला देता हूं, धर्म हमें वीर बनाता है, कायर नहीं बनाता। कई लोग कहते हैं कि धर्म व्यक्ति को कायर बना देता है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। पर लेकिन आपको एक बात बतला देता हूं, किसी को जीवन देना भी बहादुरी होता है, किसी का भला करना भी बहादुरी होता है। कायर लोग कभी किसी का भला कर ही नहीं सकते हैं। भला वही कर सकता है जो निस्वार्थी है, भला वही कर सकता है जो परमार्थी है, भला वही कर सकता है जो परोपकारी है। स्वार्थी व्यक्ति डरपोक होता है और परोपकारी व्यक्ति निर्भय होता है, रहे अडोल। क्योंकि ये तरीके बतलाए हैं जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर ने कि अगर तुम धर्म करना चाहते तो पहले यह सोच लो कि जिंदगी के अंदर भैया कुछ बातें अनुकूल आएंगी, कुछ प्रतिकूल आएंगी, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। लेकिन एक चीज ये जरूर मान करके चलना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसका जो निमित्त है वो मैं हूं, उसकी वजह मैं हूं, मैं दूसरे को ना समझूं। क्योंकि धर्म देखो कितनी गहराई तक गया है कि धर्मात्मा व्यक्ति हमारे यहां पर उसी को माना है जिसने अपने सुख दुख की सुख दुख का कारण स्वयं को माना है, किसी दूसरे को नहीं मानता। इसलिए वो डरता नहीं है कि जो भी कुछ है वो मेरे नसीब का है, तो चाहे वो अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है, हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए। जो भी है वो जब मेरा ही किया हुआ है तो उसका मुकाबला मैं खुद करूंगा। एक प्रसंग आता है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राचा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करही सो तसु फल चाखा। ये पूरा जो विश्व है ये कर्म के तंतुओं से ताने बाने से रचा हुआ विश्व है, यानी जो मेरा भी जीवन है ये भी कर्म तंतुओं के ताने बाने से रचा पचा जीवन है। मुझे किसी भी हालत में इसमें घबराना नहीं है। जीवन में जितनी भी चुनौतियां मिलें उन चुनौतियों का सामना में डरकर नहीं वीर बनकर के करूंगा। और आपको यह भी बतला देता हूं, पहले लोग गृहस्थी धर्म के अंदर अभय का, निर्भयता का, निडरता का अभ्यास किया करते थे, और ऐसे निडर अभयशील व्यक्ति फिर जीवन के संध्या काल में अध्यात्म जगत में प्रवेश कर जाते थे। वो ये सोचते थे जब मैंने संसार का युद्ध अगर मैंने जीत लिया है, लड़ लिया है,
जब मैं वहां नहीं घबराया तो फिर मैं कर्मों के साथ भी युद्ध कर सकता हूं। और कितनी सुंदर व्यवस्था थी, एक वक्त ऐसा आता था कि बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े राजा और महाराजा राजगद्दी को छोड़ करके, क्योंकि कम नहीं होता, मैं तो कभी कभी आश्चर्य मानता हूं, सरकार ने हमारी उम्र निश्चित कर रखी है कि इतनी उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेना। सरकार ने कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा कि आदमी इतनी उम्र के बाद मेंटली भी थोड़ा बहुत कमजोर हो जाता होगा, या निर्णय लेने की क्षमता में कुछ कमी आ जाती होगी, या शरीर अशक्त हो जाता होगा, पूरा काम नहीं कर पाएगा, कुछ बीमारियों का भी प्रकोप हो सकता है, तो कम से कम एक उम्र ऐसी निश्चित कर दी, भैया इसके बाद तुम रिटायरमेंट ले लो। लेकिन आपको ये भी बतला देता हूं कि ये व्यवस्था हमारे धर्म जगत में भी है, महान पुरुषों ने भी बतलाया है कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब हमें संसार से भी रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि संसार में कर्म करना है, सेवा करनी है, आप कीजिए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आना चाहिए कि बस अब इनफ, सब बच्चे खाने कमाने लायक हो गए हैं, अपने आप जीने लायक हो गए हैं, अपने पांव पे खड़े हो गए हैं, बस अब मैं अपने पांव में जो थोड़ा बहुत दम रह गया है आत्म बल के सहयोग से, अब जरा मैं धर्म के जगत में प्रवेश करता हूं, धर्म की साधना करता हूं, मैंने सबको अपने लायक बना दिया है, लेकिन जीवन के संध्या काल में मैं भी अपने लायक बन जाऊं, ताकि भगवान के पास जाऊं तो कुछ तो कह सकूं कि मैंने दोनों ही धर्म और कर्म बड़ी ईमानदारी से निभाए हैं। संसार में कर्म होता है, आत्मा में धर्म होता है, जब शरीर कर्म के काम आया, आत्मा धर्म के काम आई, तो मैंने दोनों में भी कोई कमी नहीं रखी। हाँ, मैंने हर काम बड़ा ईमानदारी के साथ किया है। और आपको बताऊं, परीक्षार्थी विद्यार्थी जो होता है, जिसने पूरी तैयारी की हुई है, पूरी प्रिपरेशन की हुई है, पूरी तैयारी की है, परीक्षा देते वक्त उसके चेहरे पर डर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि सब पूरी तैयारी है भैया, जहां से भी पूछ ले, क्योंकि पूरी किताब मेरी अंदर है, और इस किताब से ये क्वेश्चन आएगा, किसी भी पन्ने से आ जाए, मैं देने को तैयार हूं। जब इतना कॉन्फिडेंस आता है तो विद्यार्थी के अंदर से भय निकल जाता है। और जिसने तैयारी ना की हो और केवल गैस पेपरों पर तैयारी की हो, गैस पेपर भी जानते होंगे ना, कईयों ने पहले, आजकल भी बड़े बड़े गैस पेपर चलते हैं, भाई ये क्वेश्चन इतने सालों से लगातार आता रहा है, घुमा फिरा करके आता रहा है, चलो कुछ गैस पेपर तैयार कर देते हैं। जो गैस पेपरों पर अपनी तैयारी करता है, उसका नाव, उसकी नाव कभी भी डूब सकती है, क्योंकि परीक्षा गैस यानी अनुमान के ऊपर नहीं चलती है। गैस जो परीक्षाएं हैं वो ज्ञान और अभ्यास के ऊपर चला करती है। तो मेरे बंधुओं, हमें संसार की चुनौतियों से नहीं डरना, चाहे जो भी सुख और दुख आए उनसे घबराना नहीं, हमें आत्मबली बनना है। और जो आत्मबली बनता है वो जीवन में आने वाले सुख दुख के जितने भी निमित्त हैं उसमें रोष और तोष दोनों में वो अछूता रहता है, क्योंकि मन चाही चीज नहीं होती तो रोष आ जाता है, और कुछ चीज मन चाही हो जाए तो तोष यानी प्रसन्नता का उदय होता है। इन दोनों के बीच में संतुलन रखना चाहिए। आज इतना ही है, क्योंकि जो प्रसंग अगर मैं सुनाऊं तो उसमें समय लगेगा, आज इसका प्रसंग थोड़ा सा बड़ा है, उसको थोड़ा सा समेटना भी है। लीजिए धारावाहिक में राजा हरिश्चंद्र की कथा। दिल से ये शब्द गुनगुनाते रहें जो मैं बोल रहा हूं, और समझ में अगर आ रहा हो बड़ी तन्मयता से सुनिएगा। ये छोटे छोटे पद, ये छोटे छोटे, चाहे वो चौपाई है चाहे वो दोहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जमीर को जगाने में काम आ जाएं, तो ये चरित्र सुनना और सुनाने में बड़ा आनंद आ सकता है, इसका उपयोग हो सकता है। धर्म न दो जा
सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना साची बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप सतमत छोड़ बावरे सत छोड़ा पत जाए सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए तप बल से भी सत्य का बल है अपरंपार हरिश्चंद्र के सत्य की सुनिए अब झनकार वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारे मर घट में बिक गया राजा बिक गए तारा रानी वो अटल रहे धर्म पे फिर हो गई सब आसानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी जिन धर्म के प्यारे लोगो यह सुन लो अमर कहानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी बोलिए महाराजा हरिश्चंद्र की। कल आप लोग सुन रहे थे मेरी भावना का पद यहां पर भी बड़ा सटीक बैठ रहा है क्योंकि हरिश्चंद्र को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। क्यों नहीं है डर? क्योंकि उन्होंने किसी का कोई बुरा किया ही नहीं, किसी को डराया ही नहीं। जब हमने अपनी जिंदगी में किसी को डराया ही नहीं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? जो डराता है वही डरता है, जो मारता है वही मरता है। उस वक्त क्योंकि विश्वामित्र एक ही मकसद से वहां आया है कि मैं अपनी तपस्या से जितनी सिद्धियां प्राप्त की हैं सब लोग जानते हैं कि मेरे अंदर कितनी सिद्धियां हैं और मेरे क्रोध के आगे हर कोई कांपने लगता है। तो उसने ये सोचा कि देवता तक तो मेरे से डरते हैं, हरिश्चंद्र तो एक मामूली इंसान है, मैं इतना क्रोध दिखाऊंगा। अगला बेचारा डर के मारे, पर उसे ये नहीं पता था कि जो अपनी आत्मा में रहता है, जो आत्मा के स्वाभाविक गुण से जुड़ा हुआ है,
उसे किसी प्रकार का कोई भय होता ही नहीं है। ये बात विश्वामित्र को भी समझ में आई, लेकिन समझने में देर हो गई, क्योंकि जिस समय क्रोध आ रहा था उस वक्त ये निर्णय ले लिया उसने। और ये तो आप भी जानते हो, ये हमको चरित्र राजा हरिश्चंद्र का चरित्र एक और प्रेरणा देता है कि जिंदगी में जब क्रोध आ रहा हो उस वक्त कोई भी निर्णय लेना नहीं, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय कभी भी अच्छा होता ही नहीं है। महर्षि विश्वामित्र जैसे महर्षि की बुद्धि कुंठित हो गई, हम और तुम हैं कहां पर, लीजिए। जब कहा, गुस्से में आए, कहा कि गुरुदेव पहले बैठिए, सांस तो फूल रहा है, थोड़ा सांस प्राणायाम कीजिए। गुरुदेव सांस खींचो, बैठो, शांत बैठो, आसन है। कहा ये तो बैठने की बोलता है, चलो अब समझ में आया है, अब तो वही काम करना पड़ेगा। पर उस समय उसने माथा जरूर पीटा कि मेरी अकल खराब हो गई थी जो मैं यहां चला आया। निरपदत आसन मिला, बैठे ऋषि मन मार, न्याय है तो फिर यूं वहां होने लगा विचार। जब राजा ने स्वयं आसन सिंहासन लगाया कि आप बैठिए इसके ऊपर, मन नहीं था बैठने का, लेकिन कहा कि इतने प्यार दे रहा है, इतना सम्मान दे रहा है और मैं इसका अपमान कर रहा हूं, कुछ तो इंसानियत रख अपने अंदर, बैठ जा। बैठ गया, पर मन मार के, खुशी खुशी नहीं, क्योंकि कभी कभी आदमी मन मार के भी कुछ ना कुछ करता है, लेकिन जो मन मार के बैठता है उसमें मजा तो आता नहीं। पर बैठ गया, बैठ गया तो बैठ गया। जब विचार शुरू हुए, स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज क्या न्याय चाहते, सेवक को आज्ञा दीजिए, उर की उलझी हुई पहेली स्पष्टतया बतला दीजिए। कहा कि गुरुजी अब बताओ आपको किस बात का न्याय चाहिए, आपके साथ किसने अन्याय किया, आपके साथ क्या बुरा हुआ, ये बताइए आप, और आपके अंदर जो भी उलझने हैं बता दीजिए। आपका सेवक आपके समक्ष खड़ा है, दिल खोल करके बोलिए। ये सेवक भी है, आपका बच्चा भी है, आपको कोई भी तकलीफ हुई हो, आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, मैं सुनने को तैयार हूं और यथाशक्ति उस समस्या को दूर करने की हिम्मत भी रखता हूं। बोलिए क्या बात है। इतने प्यार से बोला है हरिश्चंद्र, और विश्वामित्र को अभी शांत होने में बहुत समय लग रहा है, और ऊपर की शांति ओढ़ रखी है, अंदर ज्वाला। जिस घटना का न्याय चाहिए, कितना भीषण है वह पाप, मुझसे पूछ रहा है क्या तू नहीं जानता अपने आप। किस बात का न्याय चाहिए तू मेरे से पूछ रहा है, ऐसे बना हुआ है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं जो वहां से इतनी दूर यहां आया हूं और तुझे पता नहीं मैं क्यों आया हूं, और मेरे से पूछता है कि क्या न्याय चाहिए। कहा कि गुरुजी शांत रहे, भगवान करुणा निधि,
यहाँ क्रोध का काम नहीं, जान बूझ कर व्यर्थ पूछने वाला में अदधाम नहीं। अगर जानता मैं होता तो आप यहाँ फिर क्यों आते, मैं ही स्वयं उपस्थित होता राष्ट्र नियंता के नाते। कहा कि गुरुजी मैं कह रहा हूं शांत हो जाओ, पहले शांत तो हो जाओ, आप कुछ ठंडे हो जाओ, मेरे करुणा निधि, मेरे करुणा के सागर, मेरे दया के भंडार, पहले आप शांत हो जाओ, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हो उस जगह क्रोध करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, आप क्या समझते हो, मैं जानबूझकर के ऐसा पूछ रहा हूं आपसे, आप ये समझते हो कि मुझे पता है? अगर गुरु महाराज मुझे पता होता ना तो आपको यहां आने का कष्ट करना भी नहीं पड़ता, मैं स्वयं आपके पास आता। थोड़ा शांत हुआ, दिमाग चलाना लगा कि क्या जवाब दूं, अपनी बात किस तरह कहूं। ये सोचना पड़ता है, क्योंकि अशांत व्यक्ति को ये सोचना पड़ता है कि मैं अपनी बात का जवाब कैसे दूं। हाँ, अशांत व्यक्ति को, जो शांत है उसको क्या सोचना। सोचने लगा क्या करूं, अब अंतर में तो पता लग गया उसको कि मैं गलत हूं, बस इस वक्त विश्वामित्र अपने गलत को सही करने में लगा हुआ है, अपनी गलत बात को सही साबित करने में लगा हुआ है, बस इसी को ईगो कहते हैं। जब हमको यह पता लग जाए यहां मेरी गलती है, और उसके बावजूद भी अपनी गलती को गलती नहीं मानना और उस गलती को भी सही साबित करने की चेष्टा करना, यह ईगो है, इसको ईगो प्रॉब्लम कहते हैं। कि जो समझने को तैयार ही नहीं, समझ करके भी जानबूझ करके जो व्यक्ति गलतियों को छुपाना चाहे, उस पर मुलम्मा चढ़ाना चाहे और अपनी गलत बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा अपनी बात सुनो, निरप जिस तरह राज्य शासन में सब अधिकार तुम्हारा है, उसी तरह आश्रम शासन में सब कुछ सत्व हमारा है। जिस प्रकार नृप आप राज्य के दोषी को दंडित करते, उसी तरह हम भी आश्रम के दोषी को शिक्षित करते। ताकि जिस तरह इस अयोध्या के आसपास जितने भी राज्य हैं जिन्होंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार की हुई है, जहां जहां जिस जिस सीमा तक तुम्हारा राज्य है, उस राज्य में रहने वाला अगर कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको दंड देने का विधान राजा का है। जी गुरु महाराज, उसी प्रकार हाँ, जो हमारे आश्रम में कोई अपराध करे तो आश्रम के अपराधी को दंडित करने का अधिकार आश्रम के अधिपति को है। अब गुस्सा है, और गुस्से में वो बोल रहे हैं जो न्याय के विरुद्ध है। जब ये बात कही तो हरिश्चंद्र ने कहा, क्षमा करें ये बात आपकी मान्य नहीं हो सकती है, आश्रम भी कौशल में इससे किसे भी मति हो सकती है, आश्रम का अपराधी भी है अतः राज्य का ही द्रोही, आप न उसे दंड दे सकते राज्य दंड सबको ही है। कहा कि गुरुदेव छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं, जो आप बोल रहे हो वो सही नहीं बोल रहे, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मैं आपको सही और गलत मैं बताऊं, लेकिन जो बात है ही गलत उसे मैं सही नहीं कह सकता। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपका आश्रम मेरे राज्य की सीमा में आता है या नहीं आता है, पहले यह बतला दीजिए आप, यह आश्रम मेरी राज्य की सीमा में आता है या नहीं आता है। आश्रम मेरी राज्य की सीमा के बाहर नहीं है,
और जो राज्य की सीमा में है और उस सीमा में रहते हुए कोई भी गलती करता है उसको दंड देने का अधिकार केवल राजा को है और किसी को नहीं। आपके आश्रम में कोई चोरी करे, मारपीट करे, कोई अपराध करे, उसको भी दंड देने का अधिकार केवल राजा को है, साधु को दंड देने का अधिकार नहीं है। सोचा अब क्या करे, विश्वामित्र जी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। वाह, क्या कहता है हम ऋषियों को, निरप के आश्रित रहना है, आश्रम का अपराध करे हम दंड ना दें, क्या कहना है। सत्य कहा है मैंने भगवान, इसमें कुछ अविचार नहीं, आप साधु हैं अतः दंड देने का है अधिकार नहीं। इसका मतलब हम तेरे गुलाम हैं, हम तेरे अधीन हैं कि आश्रम के अपराधी को भी हम दंड नहीं दे सकते। कहा कि गुरु महाराज मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि आश्रम भी मेरी ही राज्य की सीमा में आता है। आप भी अगर किसी को पूछोगे, आपसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रम किस राज्य की सीमा में है, तो आप यही कहोगे कि अयोध्या की सीमा में है। आपको कोई यह पूछे कि तुम्हारे राज्य का राजा कौन है, तो आप अपना नाम नहीं लोगे, आप मेरा नाम लोगे कि हमारा राजा हरिश्चंद्र है। साधु आश्रम में अपराध करने वाले को दंड नहीं दे सकता, हां उस अपराध की सूचना राजा को दे सकता है और फिर राजा उसको दंडित कर सकता है। बात बिल्कुल गलत नहीं है, सही है, पर लेकिन करें क्या। इसलिए कहता हूं सच्चाई भी आदमी जल्दी से हजम नहीं करता, और वही हजम कर सकता है जो शांत हो। अशांत व्यक्ति कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता। फिर बोले, और इसी से पता चल रहा है कि साधु एक गृहस्थी की भाषा बोल रहा है और एक गृहस्थी साधु की भाषा बोल रहा है, यहीं से पता चल रहा है। क्या बोल रहे हैं, भ्रष्ट बुद्धि है तेरी, तुझको ऋषि गौरव का ध्यान नहीं, याद रहे हम संत तनक भी सह सकते अपमान नहीं, जबकि भूप ऋषि कृत नियमों से राज्य दंड दे सकते हैं, तब हम आश्रम अपराधी की खबर क्यों नहीं ले सकते हैं। कहा कि तेरा दिमाग हो गया खराब, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये कौन बोल रहा है, एक साधु बोल रहा है। गृहस्थी क्या बोल रहा है, हे दयावान, हे दया निधान, हे करुणा के सिंधु, हे मेरे गुरुदेव। ये कौन बोल रहा है, एक गृहस्थी बोल रहा है। और साधु क्या बोल रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये साधु की भाषा नहीं होती, ये गृहस्थियों की तो भाषा हो सकती है, लेकिन साधु की भाषा ये नहीं होती। तो उसी से पता चल गया है और एक बात साबित हो गई है कि क्रोध अगर मेरे पास हो तो क्रोध की उपस्थिति में मैं साधु नहीं हूं, हां, और क्रोध की स्थिति में अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं वो साधु भाषा में नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रेम की भाषा साधु की भाषा है, प्रेम साधु की साधना है, मैत्री साधु की साधना है, और भाषा का माधुर्य जो है वो साधु की भाषा है। कहा कि कमाल की बात, एक बात बता तू हरिश्चंद्र, ये शास्त्र किसने रचे, तो गुरु महाराज ऋषियों ने, और ये जितने विधि शास्त्र हैं ये किन्होंने रचे, मुकेश जी साधुओं ने। ये बता बुद्धू, जब ऋषियों ने शास्त्र रचे हैं किस, क्योंकि राजा को बताया गया है, ये संदेश ऋषियों ने दिया है। देखो अपनी बात में फंस रहा है विश्वामित्र, ऋषियों ने ही शास्त्रों की रचना की, विधि शास्त्रों की रचना संतों ने की, आचार्यों ने की,
तो विधि शास्त्र की रचना रचने वाले साधुओं को दंड देने का अधिकार क्यों नहीं है? कहा कि सिंपल सी बात है गुरुवे, व्यर्थ क्रोध मत करिए भगवन, मैंने क्या अपमान किया, विहित विधानों का ही मैंने न्यायोचित व्याख्यान दिया। दंड विधाता भूपति है अथवा भूपति के अधिकारी, और नहीं कोई हो सकता, शास्त्र नियम है हितकारी। कि गुरु महाराज, पहली बात, मैं आपका कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं जो शास्त्र का विधान है वो आपको बतला रहा हूं, और आपके ही आचार्यों ने, आपके ही बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने स्पष्टतः लिखा हुआ है कि दंड देने का अधिकार केवल राजा को है। ये आपके ऋषियों ने लिखा हुआ है, और उसी की पालना। संत किसी पचड़े में ना पड़े, उस पचड़े से निकल करके साधना का आनंद ले, ये साधु का धर्म है। अगर किसी को दंड देना है, न्याय देना है, ये अधिकार केवल राजा का है। और राजा ने जिन जिन अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ है, जिस जिस काम के लिए, उनको अधिकार है केवल दंड देने का, और ये शास्त्र का नियम है गुरुदेव। किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि राजा की जगह किसी साधु को दंड देने का अधिकार है। और संतों ने यह रास्ता इसलिए अपनाया कि हमको संसार के लफड़े में, राज्य के झगड़े में, राजकरण के चक्कर में नहीं पड़ना। राजकरण यानी राजनीति के चक्कर में केवल राजा पड़ेगा, और जितना ये दंड देना है, न्याय अन्याय, पक्ष और विपक्ष, जो भी कुछ है, सब राजा का काम है। हमें तो केवल साधना का आनंद लेना है। क्योंकि इस बात का विश्वामित्र के पास जवाब नहीं था। फिर सोचने लगा, इस बात में तो मर गया मैं बात कहूं कैसे, क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज। और कंफ्यूजन में एक बात और बोल दी, चल सुना। अच्छा सिद्धाश्रम उपवन को ध्वस्त अप्सरा करती थी, वृक्ष लता फल फूल तोड़ती, हंसती और अकड़ती थी। बांधी मैंने पुष्प लता के बंधन में निज तप बल से, किंतु एक प्रतिद्वंद्वी रूपू ने खोली गुप्त रूप छल से। स्पष्ट कहो जो नर आश्रम का दोषी यूं बन जाएगा, दंड व्यवस्था के नियमों से कौन दंड वह पाएगा। कहा कि एक बात बता हरिश्चंद, हमारे सिद्धाश्रम के उपवन में कुछ अप्सराएं घुस गई। अब आया अपना दिल का दर्द, अप्सराएं घुस गई, उन्होंने हमारी पुष्प वाटिका को तोड़ना शुरू कर दिया। जब उन्हें रोका गया तो वह अपमान करने लगी, हंसने लगी, अकड़ने लगी, फिर हमको बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर हमने अपनी तपस्या, वो बार बार वही बोल रहा है, फिर मैंने अपनी तपस्या से जो सिद्धियां प्राप्त की थी, उन सिद्धियों का उपयोग करके मैंने उन अप्सराओं को लताओं से बांध दिया। फिर उसके बाद कोई मेरा दुश्मन, मेरे से चिढ़ने वाला, मेरे से जलने वाला एक मेरा दुश्मन आ गया वहां, और गुप्त रूप से चुपचाप उनको मुक्त कर दिया, उनको बंधन से मुक्त कर दिया। अब तू ये बता, इस तरह आश्रम में कोई अपराध करे, मेरी तपस्या से बंधी हुई अप्सराओं को गुप्त रूप से, छल से, कपट से मुक्त कर दे, ऐसे अपराधी को क्या दंड आता है तेरे शास्त्र में, बता। ओ, अब पता चला कि मामला ये। ओ, इस बात को सुनते ही हरिश्चंद्र के चेहरे पर हास्य आ गया, थोड़ी हंसी आ गई उनको। ओ, मुझे नहीं पता था कि दर्द क्यों हो रहा है। सब बातें समझ गए, तब उन्होंने कहा,
भगवान वह तो श्री चरणों में यह सेवक समुपस्थित है, दंड घोर से घोर दीजिए जो भी उचित अभिप्सित है। उन्हें दया से मैंने छोड़ी और न कुछ भी मतलब था, प्रतिद्वंदी बन व्यर्थ अवज्ञा का दुर्भाव कहाँ कब था। कहा कि गुरुजी वो तो आपका दास मैं हूं, तो अब समझ में आया। वो तो भूल गए थे, उनको ये नहीं पता था कि विश्वामित्र इसके लिए आए हैं। उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़ी बात हो गई होगी, कुछ घर कुछ आश्रम में चोरी हो गई होगी या कुछ और हो गया होगा मामला, या किसी ना किसी को मार दिया होगा। जब ये पता चली, कहा कि गुरुजी वो तो मैं हूं और जो भी आपको दंड देना है मुझे दंड दीजिए, जो भी तुम चाहते हो दंड दीजिए, लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं, मैंने अप्सराओं को दया भाव और कर्तव्य भाव की वजह से छोड़ा था। मेरे मन में आपके अपमान करने का एक तनिक भी विचार नहीं था। किसको कहते तनिक भी? मैंने मेरे दिल में आपकी अवज्ञा आपका अपमान करने का भाव बिल्कुल नहीं, केवल दयावश छोड़ा था, क्योंकि मुझे लगा कि वहां कुछ गलत हुआ है और कहीं ना कहीं भगवान आपसे भी गलती हो गई, उनकी भी गलती है तो आपकी भी गलती है। क्योंकि ये शास्त्र का नियम है, यदि कोई अधिकार बिना बंदी को बंधन में डाले तो बंदी कर मुक्त शीघ्र ही भूपति निज शासन पाले। बंदी करने वाले को भी उचित दंड नृप देता है, हरिश्चंद्र तो केवल बंदी छोड़ क्षमा कर देता है। वादी हैं ऋषि आप और मैं, प्रतिवादी हूं क्या झंझट, न्याय करा ले पंचों से मिट जाए व्यर्थ की सब खटपट। कहा कि गुरुदेव आपको अगर शास्त्र का ज्ञान है तो उसमें एक और विधान है कि बिना अधिकार के कोई किसी को बंदी नहीं बना सकता। जो आपने तपस्या से उनको बांध दिया, जमीन से चिपका दिया, ये आपके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं। और दंड ये भी कहता है, कानून ये भी कहता है, बिना अधिकार के कोई किसी को बंदी बनाता है वो भी राज्य का अपराधी है, उसको भी दंड देने का विधान है। लेकिन आपका ये बच्चा केवल बंदी को मुक्त कर देता है और बंधन में डालने वाले को माफ कर देता है। जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने किया, कर्तव्य तो यह भी था कि आपको भी दंड आता है, लेकिन नहीं, हम वहां तक नहीं गए। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है, अगर आपको फिर भी मैं गलत नजर आ रहा हूं, क्योंकि अब मैं न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि आप वादी हैं मैं प्रतिवादी हूं, यानी यह लड़ाई अब आपके और मेरे बीच में है, अब मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता हूं। अब इसका निर्णय कराने के लिए आप पंचों को बुला लीजिए, पंचों को बुला लीजिए, जिसको हम आज की भाषा में पैनल बोलते हैं। और पहले गांव में पंच हुआ करते थे और पंच का निर्णय, पांच जने का पंच होता था, वो निष्पक्ष होते थे और पंचों में से बहुमत जिसकी तरफ हो, कि कोई किसी का भी हो सकता है, लेकिन पांच में से तीन और दो पर निर्णय होता था, यानी तीन बहुमत है, दो
बहुमत के बिना, तो आप पंचों को बुला लीजिए, पंचों को बुलाने के बाद अब उनके ऊपर छोड़ दीजिए, खत्म करो बात। क्योंकि ये उत्तर भी वही दे सकता है जिसका दिमाग शांत है। हरिश्चंद्र का उत्तर सुनकर कौशिक ऋषि कुछ घबराए, मानस नब में उमड़ विकल्पो संकल्पों के घन छाए। जब ये बात कही पंचों वाली, घबरा गया विश्वा मित्र। मैंने तो सोचा था नृप को दंड स्वयं उसके मुख से, दिलवाऊंगा बातचीत के चक्कर में लाकर सुख से, पर ये तो मुझको ही उल्टा अपराधी ठहराता है। दिया न दंड इसी में अपनी कृपा विशाल बताता है, राजा का है पक्ष प्रबल सब न्यायोचित इसका कहना, अगर सभा में करूं मान्य तो पड़े घोर अपयस सहना। दंड वंड तो गया मात्र, अपराध अगर स्वीकृत कर ले, कौशिक तो बस इतने भर से अपने दिल के व्रण भर ले। विश्वामित्र ने सोचा, मैंने क्या सोचा था, ओहो लगता है मैं अच्छे मुहूर्त में, हाँ मेरे क्रोध ने दिमाग खराब कर दिया, एक बार पत्रा तो देख लेता, एक बार मुहूर्त तो देख लेता तू, क्योंकि क्रोध में कोई मुहूर्त नहीं देखता। मैं सच कहता हूं, मैं हंसी भी आती है कभी कभी, कई लोग कहते गुरु महाराज घर में जाप बैठाना है कोई मुहूर्त बताओ, मतलब अच्छे काम का तो लोग मुहूर्त पूछते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं भैया पूरे काम के मुहूर्त पूछा करो, अच्छे काम का क्या मुहूर्त, जब तुमने अच्छा काम करना है, दान देना है, दया करनी है, भलाई करनी है, उसका मुहूर्त क्या पूछना। पूछो तो बुरा काम का कि कोई ये बताओ गुरु महाराज मुझको क्रोध करना कौन से मुहूर्त में करूं, जब तो कोई बात भी बने, क्योंकि क्रोध में अगर मुहूर्त याद रह जावे तो फिर क्रोध कहां रहेगा, क्योंकि वो घड़ी अगर टल गई तो कई मुसीबतों से आप बच जाते हो। उसने सोचा इसने तो मुझे ये अपराधी बता दिया, और बात है भी सही इसकी, क्योंकि जानकार तो थे ही वो शास्त्रों के, बात तो इसकी सही है, क्योंकि मैंने तो ये चक्कर चलाया था कि ऐसे बात के जाल में उलझाऊंगा कि उसी को उसके मुख से ही दंड दिलवाऊंगा, लेकिन ये तो मुझे ही अपराधी बता रहा है, और बात तो सही है इसकी, क्योंकि राजा का पक्ष प्रबल है और जो भी कुछ बोल रहा है बिल्कुल न्यायोचित बोल रहा है, ये देखो दिल बोल रहा है उसका, क्योंकि दिल निष्पक्ष होता है, दिल बोल रहा है कि राजा बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन दिमाग में जो अहंकार का कीड़ा कुलबुला रहा है कहा पंचों को बुला लिया, पंचों ने बोल दिया कि राजा का पक्ष सही है आपका पक्ष गलत है, तो भरी सभा में अपमान हो जाएगा, बड़ी सभा में अपमान हो गया तो मेरा जितना रुतबा है इस संसार के अंदर सब रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। अब इस रुतबे को बचाऊं तो बचाऊं कैसे, करूं तो करूं कैसे, क्योंकि राजा का पक्ष बड़ा प्रबल है। बस दंड वंड तो भाड़ में गए हो, एक बार अपने मुख से ये बोल दे, एक बार ये बोल दे अच्छा गुरुजी मेरे से गलती हो गई, बस मैं तो इसी मामले में रफा दफा करके मैं तो अपने वापिस चला जाऊं, एक बार बोल दे कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई। तो इस बात को मनवाने के लिए वो जोश में बोले, कहा कि बात सुन, सूर्य वंश के सिंहासन के ऊपर तुझे बैठना उचित नहीं लग रहा, तेरा बैठा हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुझे कोई मर्यादा नहीं, संतों का क्या मान है क्या सम्मान है, और गलती करने के बाद भी तू गलती मानता नहीं है। मेरी ऐसी भावना है कि राज्य का भार किसी और को दे और तू हट यहां से। कहा कि गुरु महाराज जो आपको कहना वो कह लीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन एक बात ये बतला देता हूं कि मैं गलती पर नहीं हूं, मैंने उन्हें करुणा भाव से छोड़ा है, दया भाव से छोड़ा है,
मेरे दिल में कोई पाप नहीं था, मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, मेरे मन में कोई पाप नहीं था। और सुनो गुरुदेव, अगर पाप होता मेरे दिल में तो आपके तप से बंधी हुई अप्सराएं कभी मुक्त नहीं होती। वो मुक्त हुई हैं तो इस एक बात का प्रमाण है कि मेरे दिल में कोई खोट नहीं था। और गुरु महाराज, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि आप जैसे गुरु महाराज दया करने को भी पाप मानते हो, करुणा को भी अपराध मानते हो। और पहली बात बता रहा हूं, आपको मैं एक बात कह दी है कि आप पंचों को बुला लीजिए, अगर वो मुझे दोषी मानते हैं तो मैं तुरंत राजपाट भी छोड़ दूंगा, मुझे राजपाट पे भी नहीं रहना, आप बुला लीजिए। फिर दिमाग चलाया उसने कि इस ढंग से बात नहीं बनेगी, उन्होंने रास्ता दूसरा निकाला। समय हो रहा है, एक रास्ता निकाला कि बात दूसरे ढंग से करता हूं और चोट वहीं करता हूं जहां आदमी तिल मिला जाता है। चलो आज रहने देते हैं, आज इतना ही सही। कल वहां एक कौन सी बात आई है, क्योंकि समय लगेगा थोड़ा सा और समय मुझे इजाजत नहीं देता, और आपका थोड़ा सा समय फालतू लेना मेरे दिल को पसंद नहीं, क्योंकि आप घड़ी को देखो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, आप केवल हमें देखो ये हमको पसंद आता है। हम है ना, आप हमें देखिए, घड़ी हम देखेंगे, आप हमें देखिए, बात पूरी। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी बनेगे, सुंदर काया मिट्टी बनेगे, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, बेंगलोरो वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली गले, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना का समय बिल्कुल सन्निकट आ गया है। आने वाली 21 तारीख यानी रविवार से श्री उत्तराधीन सूत्र, जो कि भगवान महावीर की अंतिम देशना है, जिसके 36 अध्ययन है,
पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारा साधु समाज होता है इसकी वाचना चलती है। लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ इसका मूल पाठ, इसका भावार्थ सभी जो है सुनते हैं। तो इतवार को प्रवचन अब तक तो दोपहर में होते रहे, लेकिन इस इतवार से प्रवचन सुबह के वक्त ही होंगे। प्रवचन का समय वही 9:15 से 10:30, सवा घंटे का जो रहता है वो रहेगा। रविवार है, 10-20 मिनट बढ़ सकता है, आप आने का भाव रखेंगे। और ख़ास तौर पर इस इतवार को आपको उत्तराधन सूत्र की वाचना और हरिश्चंद्र चारित्र और श्रवण संघ के महान विद्वान उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की 119वीं पावन जन्म जयंती है, कुछ प्रकाश उनके व्यक्तित्व पर भी डाला जाएगा। तो आप इसके लिए मानसिकता बनाकर के स्वयं आए, औरों को आने के प्रेरित करें। उत्तराधन सूत्र की वाचना प्रारंभ हो उससे पहले एक छोटा सा आयोजन रखा गया है महिलाओं के द्वारा। एक आगम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें महिलाएं उत्तराधन सूत्र की कृतियां प्रतियां लेकर के यहाँ शोभा यात्रा के रूप में आएंगी, और जिन वाणी का गुंजायमान करते हुए आएंगी और यहाँ आकर के वह सभी जो है धर्म सभा में परिवर्तित हो जाएंगे। और इस कार्यक्रम में महिलाओं सहित पुरुष समाज के युवक युवतियाँ सभी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और होना चाहिए। तो आप वहाँ पर 9:15 इंद्रचंद जी बिलवाड़ी उनके निवास स्थान जो कि सुदाम नगर में है, आधे किलोमीटर भी नहीं है, वहाँ पहुँचेंगे और यहाँ समय पर 9:15 तक आपको आना है। और उत्तराधन सूत्र की वाचना ऋषि मुनि जी महाराज प्रदान करते रहेंगे और ये हरिश्चंद चारित्र भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये सूचना व्हाट्सएप पर आ चुकी है, आप सब जगह सूचना दें, औरों को प्रेरणा देने का आप भाव रखेंगे। आने वाली 24 तारीख से ओम असी आवसा नमः का जाप प्रारंभ हो जाएगा, जो कि भगवान पार्श्वनाथ ने बीज मंत्र का इसको स्वरूप प्रदान किया था, नाग नागिन के जोड़े को ये मंत्र सुनाया था। ये नमोकार मंत्र का बीज मंत्र है और हमारे पंडित रत्न उपाध्याय श्री हेमचंद्र जी महाराज इसकी प्रेरणा हमेशा देते रहते थे और इस प्रेरणा को आपको प्रदान किया जा रहा है 5 माला प्रतिदिन। आप अपने धर्म स्थान पर फेरें, चाहे सामायिक में फेरें, घर फेरें, जहां आपको सुविधा आप फेर सकते हैं सुबह दोपहर शाम 5 माला ओम असी आउसा नमः की। और ये जाप 31 दिसंबर तक चलेगा जिस दिन भगवान पार्श्वनाथ जयंती है। आने वाली 28 अक्टूबर को दीक्षा जयंती और जन्म जयंती की तैयारियां श्री संघ के तत्वावधान में चल रही हैं और जहां ये कार्यक्रम अपने सामाजिक रूप लेकर के तो होगा ही होगा, साथ में गौ सेवा दिवस के रूप में भी इसको मनाया जा रहा है और रात्रि में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का खास तौर पर आप भाव रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ओली तब चल रहा है, पूरे देश में ओली करने वाले लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर अच्छी तादाद में देखने में आते हैं। यहाँ पर कुछ भाई बहन ओली तब की आराधना कर रहे हैं। आज ओली जी का 4th दिन है और 4th दिन आपको जाप करना है ओम ह्रीम श्रीम नमो उवध्यायणम। इसकी 25 मालाएं हरे रंग की माला से आपको फेरनी है और आयम्बिल करते समय भी हरा पदार्थ जो खास करके साबुत मूंग में गिना जाता है तो उसका आप प्रयोग करेंगे। यहाँ श्री संघ के द्वारा आयम्बिल करने वालों की व्यवस्था की गई है, तो आप इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। आज की धर्म सभा में हमारे कुछ धर्मनिष्ठ बंधु भाई बहन बाहर क्षेत्रों से आए हैं। हमारे चंदूलाल जी चोरड़िया और चंपालाल जी चोरड़िया घोड़ नदी से आए हैं, प्रतिवर्ष आने की भावना रखते हैं। और पूना से उज्ज्वला जी और डॉक्टर देव कुमार जी ये पूना से पधारे हैं। हमारे सुनील कुमार जी जैन अपने सह परिवार इंदौर से आए हैं और इसी प्रकार कुछ अन्य क्षेत्रों से भी हमारे धर्मनिष्ठ बंधु भाई बहन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज के पचखान जिनका भी एकासना है, एकासने का पचखान, व्यासना किसी का हो, आज का आयम्बिल 4th आयम्बिल, जिनके आयम्बिल चल रहे हैं 4th आयम्बिल का पचखान। बोसरे बोसरे आयम्बिल करने वालों को धन्यवाद। आज का उपवास किसी का हो, सामूहिक प्रत्याख्यान में आज के दिन फलों में अमरूद नहीं खाना, अमरूद और
समोसा नहीं खाना, समोसा और अमरूद दोनों का आज का एक दिन का त्याग रहेगा। बोसरे बोसरे। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि